हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एडवांस लेवल का सपोर्ट कैसे निकाला जाता है। पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देख लेना। गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट, जो कि आप बेसिक तो आप जानते हो, सपोर्ट नॉर्मल बेसिक्स आप जानते हो, ठीक है, पर एडवांस लेवल का जो कोई नहीं बताता है, पूरे यूट्यूब पे आपको वीडियो नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि एडवांस लेवल का सपोर्ट कैसे निकाला जाता है। गाइड्स, नॉर्मली मान लो कि हमारा मार्केट जो है सो अप ट्रेंड में है, ठीक, मान लो अप ट्रेंड हमारे पास में, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, तो अप ट्रेंड तो ऐसे ही जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि मार्केट यहां पर कंसोलिडेट होता है, ठीक है, और फिर मार्केट नीचे आने लगता है। अगर आपसे पूछूं कि यहां से अगर मार्केट नीचे की तरफ आएगा, कहां नीचे की तरफ, अगर मान लो कि मार्केट है, ठीक है, नॉर्मल मार्केट है, मार्केट क्या करती है, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, मार्केट चली जाती है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ चल जाती है। अब मार्केट नीचे का डायरेक्शन लेगी, मार्केट नीचे आ रही है, तो सपोर्ट कैसे निकालेगी, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट में सपोर्ट कैसे निकालेगी। गाइज, नॉर्मल जो आप बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखे हो और जो ट्रेंडिंग मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, वो दोनों में अंतर है। वो क्या, वो दोनों में अंतर है। हम लोग ये देखेंगे कि जब मार्केट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में रहता है, ठीक है, तब सपोर्ट कैसे निकाला जाता है। और हम लोगों ने पिछला वीडियो में रेजिस्टेंस तो देख लिया था, तो इसमें हम लोग सपोर्ट देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि यहां से अगर मान लो मार्केट, अगर हमारा मार्केट है वो नीचे की तरफ अगर आती है, ठीक है, नीचे की तरफ, तो पहला सपोर्ट कौन सा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बोल दोगे कि हाँ पहला सपोर्ट हमारा ये होगा, ये हमारा पहला सपोर्ट, ओके, ठीक है, आप बोल दोगे नॉर्मल कि ये हमारा पहला सपोर्ट, ठीक है, पहला सपोर्ट हमारा ये होगा, ठीक है। अब मैं दूसरा पूछूं, या फिर आप ये भी बता सकते हो कि हाँ हमारा एक सपोर्ट ये भी है ना, यहाँ पे देखो ये रुक रहा है मार्केट, ठीक है, ये है। अब मैं आगे पूछूं कि आगे और कौन सा सपोर्ट है, तो आप एक ये बता सकते हो कि हाँ हमारा एक सपोर्ट ये है, ठीक है, एक ये है सपोर्ट हमारा। और अगर मैं सपोर्ट पूछूंगा तो आप ये बता सकते हो कि हाँ हमारे पास में एक ये सपोर्ट है, ठीक है, ये इस तरीके से बता सकते हो कि हाँ जहां जहां मार्केट रुक रहा है वहां वहां सपोर्ट। पर आप गलत हो, जी हाँ गलत हो, सपोर्ट इस तरह से नहीं निकाला जाता है। जब भी मार्केट नीचे जब भी आना चाहेगी, ठीक है, मार्केट जब भी नीचे आना चाहेगी, ठीक है, मार्केट जब भी नीचे आना चाहेगी, नीचे आना चाहेगी, तो जब भी मार्केट नीचे आएगी, ठीक है, तो हमें सपोर्ट, सिंपल सा बात है कि हमें सपोर्ट पीछे जाना है, ठीक है, पीछे जाकर के जो सबसे नजदीक में मार्केट ऊपर आई थी, मार्केट ऊपर आएगी तब ना मार्केट नीचे जाएगी ना, तो जब मार्केट ऊपर आई थी उस वक्त में मार्केट ने हायर लो कहाँ कहाँ बनाया था, उसे बस देख करके और आप लाइन बस जो है सो सपोर्ट का लाइन बना दो, बात खत्म, ठीक है। और हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। चलो अब मैं बताता हूँ कि हायर लो किसे कहते हैं, ठीक है, और हायर हाई किसे कहते हैं। तो गाइड्स, अब आप देख सकते हो कि हमारे पास में हायर हाई है, इसे डबल एच में मैंने लिखा, एच एच मतलब हायर हाई और एच एल मतलब हायर लो, ठीक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि जहां जहां पर भी आपको हायर लो दिखेगा, बस आपको क्या करना है, लाइन वहां पर आपको खींच देना है, ठीक है, लाइन वहां पर बस आप सपोर्ट का बना दो, ड्रॉ कर दो, और यही हमारा जो है सो सपोर्ट होता है, ठीक है, कब, जब मार्केट नीचे आती है तब, डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना, ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत हैवी अगर एक साल का डाउन ट्रेंड रहेगा तब नहीं, जब भी आप सपोर्ट बनाओगे तो सिंपल सा क्या करना, पीछे जाना, ठीक है, पीछे में देखना कि मार्केट जब ऊपर गई थी, ठीक है, मार्केट क्या, मार्केट जब ऊपर गई थी तो लो, हायर लो कहाँ बनाई थी, मतलब नीचे वाला चोटी, क्या नीचे वाला चोटी पे आपको सिंपल सा बात है, वहां से आप क्या करो कि बस एक सपोर्ट का लाइन आप ड्रॉ कर दो, एरिया आप ड्रॉ कर दो, ठीक है, तो आपका काम खत्म हो जाएगा, वही आपका सपोर्ट होगा। पर याद रखना, आपका हायर हाई कभी भी सपोर्ट नहीं होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हायर हाई को लेते हैं, ठीक है, हायर हाई को, ठीक है, पीछे जा करके देखते हैं, इसे सपोर्ट बना देते हैं कि नहीं मार्केट यहाँ पे रुका था तो इस बार भी यहाँ पे रुकेगा, पर ये गलत है।
आपको ज्यादा पीछे तो जाना ही नहीं है, आपको कभी भी मार्केट जब नीचे आएगी, ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट में मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जब भी मार्केट नीचे आएगी तो आपको सिंपल सा बात है, आपको सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए हायर लो ढूंढना है, न कि हायर हाई। और मैंने क्या देखा कि अधिकतर यूट्यूबर्स बस बोल दिए हैं कि मार्केट जहां से रिजेक्ट होगा बस वहां पर से आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना, वही आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा। पर ये गलत है क्या? पर ये गलत है। और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो मैंने पिछला वीडियो में बताया था, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार उसे भी देख लेना, ठीक है? तो रेजिस्टेंस का भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमेशा हमें क्या हायर लो पे फोकस करना है, न कि हायर हाई। हायर हाई को आपको एकदम पूरा भूल जाना है कि ये भी मार्केट में है, जब आप सपोर्ट बनाओगे, ठीक है, जब भी आप सपोर्ट ड्रॉ करोगे हायर हाई को भूल जाओ, नीचे वाला चूक, ठीक है, जब भी मार्केट ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, तो जो नीचे वाला चोटी होता है उसको देख करके बस आप एक लाइन ड्रॉ कर, ठीक है, काम खत्म, आपका सपोर्ट बन गया। और अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, कि क्या सच में ये काम करता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है गाइड्स। अभी अगर मैं अगर पूछूं आपसे, ठीक है, कि हमारा भाई नीचे हमारा जो है सो सपोर्ट कौन सा है, हमारा सपोर्ट कौन सा है, तो आप सिंपल सा बात करोगे कि सबसे पहले मैं बात करूं हायर हाई और हायर लो इसमें कौन सा है, ठीक है, हायर हाई और लो, हायर लो कौन सा है। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने यहां पर लिख दिया है हायर लो और हायर हाई, ठीक है। और मान लो अगर यहां से अगर मार्केट अगर नीचे आती तो हमारा सबसे पहला सपोर्ट कौन सा होना चाहिए, तो आप सिंपल सा बोलोगे हमारा सबसे पहला सपोर्ट ये होना चाहिए। ओके, हमारा सपोर्ट क्या, हमारा सपोर्ट ये होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या सच में ये काम करता भी है कि नहीं। देख सकते हो गाइड्स यहां पे अब क्या हुआ वो मैं बताता हूं। यहां पर देखो अब आप क्या बोलोगे कि रिस्पेक्ट तो नहीं किया। देखो मार्केट में हैवी सेलिंग हुआ, सेलर्स बहुत एक्टिव थे मार्केट में, उन्होंने क्या किया हैवी सेलिंग, तो मार्केट जब क्या किया, मार्केट जब नीचे आया, ठीक है, तो सपोर्ट को तोड़ दिया, और सपोर्ट को तोड़ करके देखो रेजिस्टेंस फेस किया, देखो यहां पे फिर ऊपर गया और इसे रेजिस्टेंस मान करके इसे तोड़ नहीं पाया, और फिर से मार्केट नीचे आ रहा है, क्या किया सपोर्ट को तोड़ दिया। ये सपोर्ट तोड़ा ये बात कैसे पता चला, क्योंकि देखो अगर मार्केट सपोर्ट तोड़ दिया, ठीक है, और मार्केट फिर ऊपर जाती है, और फिर वो जो सपोर्ट जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था उसे मार्केट अगर नहीं तोड़ पाती है, तो सिंपल सा बात है वो सपोर्ट था, वो एरिया सच में सपोर्ट था। और अगर इसके ऊपर अगर यहां पर मार्केट वापस आ जाए और फिर नीचे आए, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे ये सपोर्ट गलत है, ये सपोर्ट है ही नहीं है, मार्केट इसे नहीं मान रहा है सपोर्ट, तब हम लोग बोलेंगे। तो यहां पर क्लियरली हमें एक चीज तो देखने को मिल गया कि हाँ मार्केट इसे सपोर्ट मान रहा है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां से थोड़ा सपोर्ट को और फिर एक रेजिस्टेंस फेस किया, मतलब मार्केट सपोर्ट को कंफर्म किया, ठीक है। अगर आपने गाइस मेरा अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो प्लेलिस्ट है वो अगर आपने अगर एक्सेस नहीं किया है, वो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो एक बार प्लीज जा करके देख लो उसे, ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि सपोर्ट कंफर्म करना, ठीक है, सपोर्ट कैसे टूटता है, रेजिस्टेंस कैसे टूटता है, तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंप्लीट प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार आप जा करके उसे चेक जरूर कर लेना, ठीक है। तो देखो मार्केट यहाँ पर ऊपर गया, कंफर्म किया सपोर्ट को, और अब मार्केट नीचे आ रहा है, तो हमारा दूसरा सपोर्ट कौन सा है, तो आप सिंपल सा बोलोगे हमारा दूसरा सपोर्ट ये है, क्या है, ये है हमारा दूसरा सपोर्ट। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। देखो मार्केट नीचे आ रही है, आ रही है, हाँ देखो देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर गौर से देखो, जो हम लोगों ने सपोर्ट बनाया था, अब आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो कि हाँ ये काम कर रही है, क्या देखो सपोर्ट के पास में बस मार्केट आया, वीक बनाया और फिर मार्केट ऊपर आया, फिर मार्केट ऊपर, मतलब यहां पर सपोर्ट है, क्या है सपोर्ट है यहां पर, ठीक है, इसे क्लियरली पता चल गया, ठीक है, कि सपोर्ट है यहां, ठीक है। अब अगर आप लोग होते तो आप लोग तो फिर यहां पर भी ड्रॉ करते सपोर्ट, कहां पे, देखो जो आपने तरीका समझा मार्केट, तो यहां से भी देखो रिजेक्ट हो रहा है, कहां से देखो मार्केट यहां पर रुका है, यहां पर रुका है, ठीक है, यहां यहां तो आप क्लियरली देख सकते हो कि हाँ मार्केट यहां पर, फिर यहां पर देखो, ठीक है, तो आप तो यहां पर ड्रॉ कर दोगे, पर ये गलत है, क्या
ये गलत है। जी हाँ गलत है। आपको क्या, हमेशा आपको सपोर्ट बस हायर लो दिखेगा, वहां पर आपको ड्रॉ कर देना है। हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या होता है, आगे मार्केट क्या करती है। देखो गाइस, अब मैं एक चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा, ठीक है, अब मैं यहां पर क्लियरली आपको दिखाना चाहता हूँ। मार्केट यहां पर आया, ठीक है गाइस, ये 2 आवर का चार्ट है, 2 घंटे का चार्ट है, इसीलिए अगर मैं इसे अगर 1 आवर में लेकर के जाऊंगा, चलिए मैं लेकर के चला ही जाता हूं 1 आवर, ओके मैं 1 आवर में दिखाता हूं, चलिए देखिए देख लो आप, ठीक है। 1 आवर का जब मैं टाइम फ्रेम जब मैं करता हूं, ठीक है 1 आवर का टाइम फ्रेम, तो देख सकते हो ये हमारा सपोर्ट को ये रिस्पेक्ट किया, फिर मार्केट ऊपर गया। अब मार्केट ऊपर गया तो क्या दिया, ये फेक आउट दिया। क्या ये फेक आउट है? ये कैसे पता चला? जब मैं 2 आवर के चार्ट पर आता हूं तो आप क्लियरली देख सकते हो बस ये वीक है, ये कुछ भी नहीं है, ये केवल का केवल एक वीक है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सपोर्ट, ये फेक आउट है, ठीक है फेक आउट है। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि मार्केट कितना अच्छा तरीका से जो हम लोगों ने सपोर्ट बनाया था उसे रिस्पेक्ट कर रहा है, उसे रेजिस्टेंस मान रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारा यही एरिया से रिजेक्ट हुआ है, क्या यही एरिया से रिजेक्ट हुआ है। तो आप बस आप देखो कि हायर लो पकड़ो और ड्रॉ कर दो, ठीक है। फिर हम लोग क्या, अब हमारा कौन सा होगा नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा हायर लो होगा ये, ठीक है, हम लोग यहां पर ड्रॉ कर देते हैं, हम लोग क्या यहां पर ड्रॉ कर देते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। अब आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि सब कुछ यहां पर रिस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये हम लोगों ने गलत बनाया था। अब आप बोलोगे ये इसको क्यों नहीं माना, क्योंकि ये सपोर्ट गलत सपोर्ट है। ये मैंने बताया था ना कि अगर आप अगर होते तो यहां पर देखो मार्केट रिजेक्ट हुआ है, यहां पर मार्केट रिजेक्ट हुआ है तो आप ड्रॉ कर देते सपोर्ट का, ठीक है, पर ये गलत है। मैंने बोला था देखो यहां पर मार्केट बिल्कुल इसको रेजिस्टेंस नहीं माना, तोड़ने के बाद माना नहीं, तो ये क्या, ये गलत है, ये गलत है। हमारा क्लियर एकदम पूरा सपोर्ट, देखो इस तरीके से अगर आप सपोर्ट अगर ड्रॉ करोगे ना तो फिर क्या होगा, तो आपको ज्यादा सपोर्ट मतलब पूरा मार्केट में केवल लाइन लाइन ही सपोर्ट सपोर्ट आपको नहीं दिखेगा और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस नहीं दिखेगा। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कितना क्लियर चार्ट लग रहा है, कितना क्लियर चार्ट लग रहा है, बस 1 2 3 इतना बड़ा एरिया में बस 3 सपोर्ट है हमारा भी, क्या 3 सपोर्ट है हमारा, बस बस क्लियरली देखो 3 सपोर्ट है और तीनों आप देख सकते हो अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट हो रहा है। क्या तीनों देखो अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट हो रहा है, अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट हो रहा है। हम लोग और अगर नीचे आए, ठीक है, और हम लोग देखते हैं, देखो मार्केट कितना अच्छा तरीका से इसको रिस्पेक्ट किया। देखो मार्केट में हैवी सेलिंग है, मार्केट ने फिर क्या किया, मार्केट नीचे इसको तोड़ा, फिर मार्केट इसको कंफर्म किया सपोर्ट को, रेजिस्टेंस इसको माना, ठीक है। तोड़ने के बाद में सपोर्ट कभी भी टूटता है ना तो वो क्या होता है, रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो अगर आप अगर नहीं जानते हो तो एक बार पीछे का वीडियो देख लो, ठीक है। तो अब क्या, मार्केट यहां पर आया, फिर मार्केट यहां रुकने का ट्राई किया पर सेलर्स इतने हैवी थे, ये सपोर्ट था हमारा, देखो ये 2 कैंडल बताया, ये 2 कैंडल अगर हम लोग अगर 1 आवर का कैंडल में, 1 आवर का अगर कैंडल में या फिर 30 मिनट के कैंडल पे अगर जाएं हम लोग, ठीक है 30 मिनट का अगर कैंडल पे जाएं तो देखो क्लियरली देखो यहाँ क्या हुआ है, मार्केट यहाँ रुकने का ट्राई किया है, ठीक है सपोर्ट इसे मान रहा है पर सेलर्स इतने स्पीड में है, इतने स्पीड में कि उन्होंने तोड़ दिया, जल्द ही तोड़ दिया, इसे ऊपर जाने ही नहीं दिया, बायर्स को पूरा का पूरा खा गया है और बहुत हैवी सेलिंग मार्केट में, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारा अगर मैं पूछूं कि अब हमारा कौन सा सपोर्ट कौन सा होगा, ठीक है अब हमारा सपोर्ट कौन सा है, ठीक है हमारा हायर लो कौन सा है अगर मैं पूछूं, तो आपके नजर में सिंपल सा आना चाहिए ये। अब देखो हमारा इधर कोई, अब मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अब क्या आपके लिए क्या ये क्या हायर लो है आपके लिए, ये क्या हायर लो, ये क्या आपके लिए सपोर्ट का कंफर्म बने। अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं ये क्या सपोर्ट बनेगा, देखो देखो बिल्कुल रिस्पेक्ट किया, आपके सामने मैं बता रहा हूं कि क्या बिल्कुल भी रिस्पेक्ट किया, देखो बल्कि ये देखो ये कितना अच्छा तरीके से इधर रिस्पेक्ट किया है, पर हमें इससे मतलब नहीं है, हमें पीछे का डाटा चाहिए ही नहीं, हमें क्या बस हायर लो चाहिए, क्या हायर लो, और हायर लो ये है हमारा, क्या है ये है, देखो बल्कि इधर इधर रिस्पेक्ट कर रहा है, इधर अगर मैं अगर देखूं, देखो इधर बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है,
देखो इधर इधर पीछे का अगर जितना हिस्ट्री देखोगे बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट है, पर यहां पर क्या कुछ भी किया? यहां पर अगर मैं देखूं तो रिस्पेक्ट बिल्कुल भी किया नहीं किया। क्यों? सिंपल सा बात है कि ये प्रो लेवल का सपोर्ट रेजिस्टेंस है जो कोई नहीं बताता है। मैं आपको गाइस फ्री में दे रहा हूं, अगर वीडियो अगर सच में लग रहा है कि हाँ कुछ यूनिक कंटेंट मैं अगर आपको दे रहा हूं और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो गाइस कमेंट करके जरूर अपना फीडबैक देना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर लो। अब मैं इसी तरीके का वीडियो आपके लिए लाते रहूंगा, ठीक है। तो हमारा सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा होना चाहिए? सिंपल सा बात, हमारा ये होना चाहिए, हमें ज्यादा हिस्ट्री नहीं देखना है, हमें ज्यादा पीछे नहीं जाना है, ठीक है। और फिर मैं अगर मैं चलू देखो देखो क्लियरली देखो गाइस देख सकते हो यहां पर सब कुछ आपके सामने हो रहा है कि जो मैंने, बल्कि मार्केट का आने से पहले ही मैं ड्रॉ किया था, ठीक है, कि जो मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया है वही एग्जैक्ट फॉलो हो रहा है, ठीक है। कुछ और देखो, तुम पर सिंपल सा बात है गाइस, प्रो लेवल का अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर सीखना है तो सिंपल सा बस दो चीज दिमाग में रख लो, ठीक है। जब भी मार्केट ट्रेंड में हो, तो मैं क्या बात कर रहा हूं, जब भी मार्केट ऊपर जा रहा हो, नीचे आ रहा हो, तब ये काम करेगा। जब मार्केट मान लो कंसोलिडेट हो रहा हो या फिर एक जगह पर ही वो साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट मतलब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, साइडवेज मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे मतलब वही एरिया पे, ठीक है। मान लो 10 और 5 के बीच में ही, 10 रुपए और 5 रुपए के बीच में ही मार्केट ऊपर नीचे 10 दिन से हो रहा है, तो वहां पर आपका ये काम नहीं करेगा। पर हाँ, जब भी मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है, या लोअर हाई लोअर हाई, ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई करके बनाएगा, तब ये काम करेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो दो तरीके से आप प्रो लेवल का सीख सकते हो, पहला तो जो मैंने तरीका बताया हायर लो के थ्रू आप सपोर्ट ड्रॉ कर दो, और दूसरा तरीका है फिबनाची, फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है, फिबनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू आप करोगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाऊंगा। तो गाइस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके मुझे कंफर्म बताना कि कैसा लगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।